आज एक दिन के छोटा सा ट्रिप में हम लोग सिलीगुड़ी से जाएंगे काशियांग, फिर काशियांग से सोनाडा। अरे 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 तो आज ये छोटे से ट्रिप में हम लोग काशियांग और सोनाडा के कुछ साइट सीन कवर करेंगे, साथ ही साथ जो नज़ारा है वेदर का वो दिखाएंगे आपको। तो आज हम लोग सीधा काशियांग के रोड पकड़ लिए, आज मिरिक होते हुए नहीं जाएंगे। तो आज दो तीन साइट सीन करेंगे फिर वापस सिलीगुड़ी आएंगे। काशियांग का जो व्यू है वो पूरा अलग है और मिरिक का जो व्यू है वो पूरा अलग है। तो फाइनली काशियांग का नज़ारा स्टार्ट हो गया है, देखिए पूरा पहाड़ है और हम लोग का करीबन 15-16 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर। तो यहाँ से थोड़ा सा और जाना है हम लोगों को। तो पहले जो बोल रहा था कि काशियांग का नज़ारा कुछ अलग ही है और मिरिक का कुछ अलग है, तो थोड़ी देर में पता चलेगा और थोड़ी दूर जाने के बाद पता चलेगा कि काशियांग का मज़ा क्या है। और फिर से एक स्टीप रोड, देखिए ऐसे ख़तरनाक रोड में अगर आप बाइक चलाओगे, अगर नए बाइकर हो तो गिरना तय है। तो जस्ट मैं अभी संभाल के चलाने की बात कर रहा था, देखिए मेरे सामने भाई साहब गिर गए। तो नया बाइक है तो चलिए थोड़ा आगे जाके मदद करते हैं। नमो। तो जो लोग पहले ऐसे हिल्स पे राइड नहीं किए उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है टर्निंग पे बाइक उठाना। तो ये तो मेरे सामने ही गिर गए पूरा। और आगे देखिए ये भाई साहब ये चढ़ते चढ़ते पीछे की तरफ आ रहे हैं। अरे ये भी गिरने वाले हैं क्या? तो चलिए थोड़ा मदद कर देते हैं। अरे 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 अरे, अरे। কি অবস্থা? এক্ষুনি একজন পড়লো, আবার পড়লো। এক্ষুনি একজন পড়ে গেছিলেন, এ লাগেনি তো? ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, গাড়ি ছেড়ে দাও, গাড়ি ধরে আছি, সামনে ব্রেকটা মারো। ওই বাঁকের মুখগুলোতে না ব্রেক মারবেন না, বাঁকে ব্রেক মারলেই চাপ, আপনি ওই টানে তুলে দেবেন। হ্যাঁ, হর্ন দিতে দিতে আর যখন নামবেন না, নামিয়ে দিয়ে একা একা নামবেন, কারণ নামার সময় আরও বেশি প্রবলেম হবে। ঠিক আছে, একা নাম। আমি মুঝে পাহাড় কে এরিয়া মে সেফ রাইডিং কা ভিডিও বানানাই পড়েগা। দেখিয়ে এই হালাত হতা হ্যাঁ, মে ভি গির সকতা হ্যাঁ, ওয়েসে পর থোড়া বহুত আইডিয়া হো গিয়া চালানে চালানে মে। देखिए यहाँ से थोड़ा, यहाँ पे अगर ब्रेक मार दिया ना तो गिरेगा ही गिरेगा, यहाँ पे ब्रेक मारना नहीं है। वैसे रोड ख़तरनाक नहीं है, बस आपको सही से चलाना आना होगा, क्योंकि इसी रोड में ही बड़ा बड़ा बस भी निकल जाता है। तो आपको सही से ढंग से इस रोड पे राइड करना आना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से सेफ राइडिंग कर सकते हो इसमें। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए आई लव काशियांग के जो ये बना हुआ है। तो यहाँ पे फोटो वोटो खींचेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे डेफिनेटली, लास्ट टाइम मौका नहीं मिला था। वाओ, यहाँ से व्यू देखिए, पूरा नीचे खड़ा ही है। तो फाइनली हम लोग काशियांग के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए। तो यहाँ पे देखिए व्यू देखिए, यहाँ से पूरा खाई है, नीचे कुछ नहीं है, बैरियर्स नहीं है। तो बाइक रख के थोड़ा सा यहाँ पे फोटो वोटो खींचेंगे, रील्स बनाएंगे, फिर यहाँ से काशियांग टाउन जाएंगे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं काशियांग सिटी में।
तो देखिए काफ़ी बड़ा सिटी है इधर, काफ़ी घर है, और ऊपर देखिए पहाड़ के ऊपर भी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। और सबसे बढ़िया लगता है जब रात में लाइट जलता है तो और भी खूबसूरत लगता है ये सिटी। तो ये सीधा रास्ता दार्जिलिंग जा रहा है और ऊपर आपका है डाव हिल, तो यहाँ से 15-20 मिनट और लगेगा, पर आज डाव हिल नहीं जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डाव हिल का जो हॉन्टेड जगह है, सबको ही मानते हैं कि एशियन वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, तो डाव हिल में ज़रूर घुमा के लेके आएंगे आपको। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मुझे जाने का बहुत मन है डाव हिल भूत देखने के लिए। भूत दिखे ना दिखे जाना तो है ही। तो अभी हम कर्शियंग रेलवे स्टेशन क्रॉस करके सोनाडा की तरफ जा रहे हैं। तो सोनाडा में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, काफ़ी फेमस है। तो देखिए ऑलरेडी हम यहाँ पहुँच गए और ये काफ़ी बड़ा टेम्पल है, दूर से काफ़ी बढ़िया लगता है। तो चलिए आज टेम्पल के अंदर जाते हैं। वैसे दार्जिलिंग जाते वक्त एक दो बार मैंने इस टेम्पल को देखा था, पर मौका नहीं मिला था जाने के लिए। तो आज टाइम है तो ये टेम्पल अच्छे से विज़िट करेंगे। तो आज शायद इस टेम्पल के अंदर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो चलिए देखते हैं आगे जाके। तो अभी हम लोग सोनाडा के ये जो मॉनेस्ट्री है वहाँ पे पहुँच गए। ये दार्जिलिंग जाने वाला रोड है, अगर आप कर्शियंग होते हुए दार्जिलिंग जाओगे तो ये मॉनेस्ट्री आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ममी भी रखा हुआ है, तो पहले एक मंदिर थोड़ा सा घूम के आपको दिखा देते हैं, फिर जो ममी है उस साइड वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ ऊपर से देखिए, यहाँ से टेम्पल पूरा दिख जाएगा। अंदर जा नहीं पाए हम लोग क्योंकि यहाँ पे शादी चल रही है। तो आगे ये जो टेम्पल के अंदर गेट दिख रहा है, इसके अंदर एक ममी रखा हुआ है, जो बहुत पुराना कोई बुद्धिस्ट है उनका ममी यहाँ पे रखा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो डेफिनेटली ममी आपको दिखा देंगे। तो फाइनली हम लोग सिलीगुड़ी से कर्शियंग होते हुए सोनाडा तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पे सोनाडा का जो मॉनेस्ट्री है वो देख लिए, तो अभी वापस सिलीगुड़ी जाने का बारी है, क्योंकि पीछे देख रहे हैं पूरा मेक किया हुआ है, मतलब बारिश आने वाला है, और अगर सही टाइम पे नहीं पहुँचे तो एक्सीडेंट तो पक्का। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, आज जल्दी जल्दी वापस आएंगे, फिर दार्जिलिंग ट्रिप करना अभी बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में दार्जिलिंग और दार्जिलिंग का जो बेस्ट पार्ट है आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मेरा जो राइडिंग वाला ब्लॉग्स आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि कुछ गलतियाँ हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं रिकवर कर सकूँ। तो रुके रुके, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ। राइडिंग ब्लॉग्स तो मैं बनाता हूँ रेगुलर बेसिस पे, बाइक रिव्यूज़ भी लेके आता हूँ, पर जो सेफ राइडिंग वाला वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सीडेंट ऑलरेडी हमने इस वीडियो में देख ही लिए हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं लापरवाही के वजह से, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेफ राइडिंग ऑन माउंटेन्स, मतलब हिल्स में आपको कैसे सेफ राइडिंग करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। ध्यान से देखिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।